नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में झारखंड पुलिस ने हत्या की धारा को हटा दिया है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में तबरेज की मौत तनाव और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। इसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हत्या की धारा 302 के हटने से अब अभियुक्तों को मौत की सजा नहीं मिलेगी। करीब 4 महीने पहले कुछ लोगों ने तबरेज अंसारी पर चोरी का आरोप लगाकर उसे बुरी तरह पीटा था, बाद में उसकी मौत हो गई थी। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के पूर्व नेता बलदेव कुमार ने पूरे परिवार के साथ भारत से शरण मांगी है। पाकिस्तान की आरक्षित सीट से पूर्व विधायक चुने गए तहरीक इंसाफ के बलदेव कुमार भारत आ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताते हुए कहा कि अब वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। आज जनीवा में हो रहे यूएन मानवाधिकार परिषद के सामने जम्मू कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हो सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो UNHRC के सामने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने UN मानवाधिकार उच्चायुक्त के उस बयान का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर चिंता जताई थी। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री और बस्तर के आदिवासी नेता कवासी लखमा ने बच्चों को एक अजीबोगरीब नसीहत दी है। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि बड़ा नेता बनना है तो किसी SP या कलेक्टर के कॉलर को पकड़ो। जिस वीडियो में वह इस तरह की नसीहत देते दिख रहे हैं, वह वीडियो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर का है। हिंदुवादी नेता संभाजी भिड़े ने चंद्रयान मिशन के बाद अटपटा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने की 39वीं कोशिश में इसलिए सफल रहा था कि उसने इसे एकादशी के दिन भेजा था। RSS के पूर्व कार्यकर्ता भिड़े ने सोलापुर में एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका ने इससे पहले 38 बार चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकाम रहा था। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं। शहर के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। 2016 के बाद पहली बार कोलार डैम के गेट खोलने पड़े हैं। इस बीच मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन सूबे के लोगों पर भारी है। राज्य के 32 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। सोमवार से 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। घरेलू हिंसा मामले में गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को राहत मिल गई है। शमी के वकील सलीम रहमान उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगवाने में सफल रहे हैं। बता दें, मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने तेज गेंदबाज पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कम 10 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है। श्रीलंका को सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान दौरे से नाम वापस लेने वालों में लसित मलिंगा, पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज, कुशल परेरा समेत 10 खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क स्किन कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपने माथे से स्किन कैंसर को हटवाया है। ऑस्ट्रेलिया के भरोसेमंद बल्लेबाज रहे क्लार्क ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें उनके माथे पर टांके लगे नजर आ रहे हैं। अपने इस फोटो के जरिए क्लार्क ने युवाओं से अपनी त्वचा की देखरेख करने और इसे सूरज की किरणों से बचाने की अपील की है। सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की फिल्म छिछोरे को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने सोमवार को ओपनिंग डे से भी ज्यादा कमाई की है। सोमवार को फिल्म ने 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने पहले दिन जहां 7.32 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 12 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 15 करोड़ रुपए, तो वहीं चौथे दिन यानी सोमवार को 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके बाद फिल्म अब तक 42 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।